चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लैग्रांजियन हम लोग जो चीजें सीखे थे उसी को एक्सटेंड करते हैं आगे, और उसी का एक टॉपिक है स्मॉल ऑसिलेशन, वो आज से चालू करते हैं। तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा तो और क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लें स्मॉल ऑसिलेशन। आपको आज काफी अच्छा लगेगा, जब आप लोग टॉपिक को करेंगे तो मजा आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग स्मॉल ऑसिलेशन इन वन डायमेंशन। वन डी ऑब्लिक रेडियल ऑसिलेशंस भी इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल ऑसिलेशन इन वन डी का मीनिंग ये है कि जो हमारा पार्टिकल है वो वन डायमेंशन में है और जो उस पर लगने वाले फोर्सेस है वो सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता हो, मान लीजिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक कर्व है, मान लीजिए हमें एक्स वेरिएबल है और बी एक्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन ओनली वन वेरिएबल विच इज एक्स एंड इट इज लाइक दिस। कुछ भी किसी भी तरीके का कर्व हो सकता है, आर्बिट्रेरी मैंने एक कर्व बना लिया है। सो इफ यू हैव पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिपेंडेंट ऑन सिंगल वेरिएबल, देन हाउ कैन यू फाइंड द स्टेबल पॉइंट्स अनस्टेबल पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसी अबाउट स्टेबल पॉइंट्स। तो वही चीजें हमें चेक करनी है। तो अगर आप देखें तो इस वी एक्स वर्सेस एक्स प्लॉट में जो पार्टिकल है वो कहाँ पर रुक सकता है, अगर हम देखें तो पार्टिकल कहाँ पर रुक सकता है, रुकने का मतलब है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम एफ एक्स, जहां जहां फोर्स जीरो होगा वहां पे पार्टिकल रुका रहेगा, और फोर्स का रिश्ता किससे है, पोटेंशियल एनर्जी से। अगर हम कहें एफ एक्स जीरो होगा, जहीं जहां भी इक्विलिब्रियम होगा वहां पे एफ एक्स जीरो होगा, तो एफ एक्स का वी एक्स से क्या रिश्ता है, वी डैश एक्स। वी डैश एक्स जहां भी जीरो होगा मतलब ग्रेडियंट ऑफ वी, जहां पर भी जीरो होगा वहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ रह सकता है अगर आप देखें तो वी डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो, जहां पर मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं वी एक्स वर्सेस एक्स प्लॉट में। एम आई करेक्ट, मेरी आवाज साफ है सभी लोगों को? यस सर, यस सर। ओके 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 बेटा, बस एक कोई बच्चा बताते हैं बाकी काफी है। तो अगर आप देखें तो इसमें कई सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। जैसे मैं अगर पॉइंट आउट करूं तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहां भी कहीं पे मिनिमा आएगा तो ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पर पार्टिकल अगर रहेगा इन इन पोजीशंस पर तो पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या जहां मिनिमा एग्जिस्ट कर रही है। एक बार हम चेक करेंगे जहां मिनिमा एग्जिस्ट कर रही है और एक बार हम चेक करेंगे जहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रही है। तो मिनिमा पर देखते हैं, मिनिमा मान लीजिए कहां पर है, एक्स नॉट पोजीशन पर, यहां पार्टिकल रेस्ट में, क्योंकि यहां पर कर्व का स्लोप कितना है, जीरो। स्लोप होने का मतलब जीरो, फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो होने का मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दूं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से, मतलब इस पार्टिकल को मैं हल्का सा डिस्टर्ब कर दूं, या फिर कहें साइंटिफिकली इसको मैं परटर्ब्ड कर दूं, तो मान लीजिए मैंने इस पार्टिकल को परटर्ब्ड कर दिया, और ये इस परटर्ब सिचुएशन क्या है, ये कुछ
एक्स नॉट प्लस एच दूरी पर चला गया है या एक्स नॉट प्लस एक्स दूरी पर चला गया है, इट डिपेंड्स कि आप एच मान रहे हो, एक्स मान रहे हो, के मान रहे हो। के क्या है, एच क्या है, इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल के अंदर जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली पोजीशन बदलेगी, पोजीशन बदलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व में भी वेरिएशन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी बदलेगी। इट इज लाइक सिंपल पेंडुलम, पहले यहां था ये जगह तो मिनिमा है, अब आपने इसको डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, ये मिनिमा के अबाउट ऑसिलेशन करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कितनी फ्रिक्वेंसी से करेगा, वो हमें चेक करना है। तो इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हम लोग चेक करते हैं कि वेदर दे आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, दे आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट केस, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, इसी पर चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट हमें ये पता करना है कि ये पॉइंट जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो हमने इस पार्टिकल को क्या किया, पर्टर्ब किया, पर्टर्ब करने से देखते हैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि आप टेलर सीरीज का इस्तेमाल करें। टेलर सीरीज का एक बड़ा अच्छा महत्व है, बहुत सारे बच्चों को ये टेलर सीरीज बहुत खराब लगती है, लेकिन मैं बता दूं इसका इंपॉर्टेंस क्या है टेलर सीरीज की। अगर आपको किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पता है और अगर आपको उसके उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके डेरिवेटिव्स भी पता है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। मतलब आप तब, अगर आपको एक्स नॉट पर स्लोप पता है, स्लोप का स्लोप पता है, स्लोप का स्लोप का स्लोप पता है, तो आप ये बता सकते हो किसी नेबरहुड पॉइंट पर इसके अंदर कितना फंक्शन, कितनी मतलब क्या फंक्शन हो जाएगा, मतलब उसके नेबरहुड पॉइंट पर। तो नेबरहुड वाले पॉइंट पर अगर आप देखें, यू कैन रिलेट देम, एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, साफ साफ दिख रही है, फंक्शन कितना होगा, वी एक्स नॉट, और इसके नेबरहुड मतलब एच दूरी पर ये वाला पॉइंट है, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वी एक्स नॉट प्लस एच। यू कैन रिलेट वी एक्स नॉट प्लस एच एंड वी एक्स नॉट। तो वी एक्स नॉट और एक्स बी एक्स के बीच में क्या रिश्ता होगा, वो टेलर सीरीज से आप लिख सकते हैं कि वी एक्स नॉट, मैं नीचे थोड़ा लिखता हूं, वी एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू होगा वी एक्स नॉट प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन वी डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वी डबल डैश एक्स नॉट प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री वी ट्रिपल डैश एक्स नॉट एंड सो ऑन सो फोर। इसी तरीके से तो आप लिख सकते हैं वी एक्स नॉट और वी एक्स नॉट प्लस एच के बीच में रिश्ता। क्या मेरी यहां तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मैं कहूं वी एक्स वी डैश एक्स नॉट कितना होगा, कोई बता सकता है वी डैश एक्स नॉट कितना होगा, वी डैश एक्स नॉट एट एक्स नॉट व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, जीरो, अभी तो बोला फोर जीरो, तो इसीलिए वी डैश एक्स नॉट भी जीरो होगा, वी डैश एक्स नॉट जीरो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यानी कि ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, ये वाली जीरो हो जाएगी, एंड इफ एच इज वेरी स्मॉल, एच इज वेरी स्मॉल मींस यू आर गिविंग अ डिस्प्लेसमेंट विच इज मच 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 लेसर देन वन, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया है आपने इसको अगर, तो क्या होगा, आप हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, वी एक्स नॉट प्लस एच माइनस वी एक्स नॉट, ये वाला टर्म इधर उठा के ले गए, ठीक है, ये वाला टर्म उठा के इधर ले गए, और वी डैश एक्स नॉट तो जीरो हो गया, ये वाला उठा के इधर ले गए, तो ओवरऑल हाफ वन अपॉन टू फैक्टोरियल इज हाफ वी डबल डैश एक्स नॉट
फर्स्ट सिग्निफिकेंट टर्म क्या होगी, थर्ड वन, और हायर ऑर्डर टर्म्स को आपने निग्लेक्ट कर दिया, तो लगभग इसके बराबर ही हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है ये वाली बात? हायर ऑर्डर टर्म को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है, यहां तक, यहां तक नोट करें फटाफट। बेटा हम पढ़ रहे हैं स्मॉल ऑसिलेशन, सो वी आर गिविंग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई हायर ऑर्डर टर्म्स गेट्स निग्लेक्टेड। फिर सर आगे डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव ये भी तो होना चाहिए ना? मतलब आपके हिसाब से बी डैश एक्स अगर जीरो है तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी जीरो होने चाहिए, यही पूछ रहे हो ना? ये सर ऐसा तो नहीं होता, मैं आपको कोई भी एक सवाल करके दिखा देता हूं, आप खुद ही बताओगे। मैथमेटिक्स में इधर वैसे पूछ रहा था मैं उसका। नहीं वैसे आप बताओ बी डैश बाई डैश कितना होगा एट एक्स इज इक्वल टू वन? ऐसा रहने दो, इसको लिख लो फोर पावर, इसको लिख लो फोर पावर, इसको लिख लो थ्री पावर। अब बताओ कितना आएगा? जीरो 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 जीरो। और बाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू वन कितना आएगा? जीरो। बेटा डिफरेंशिएशन करो पहले, नहीं कर पा रहे हो। 11 आएगा सर। 11 यहाँ एक्स कर देता हूँ तब जीरो आएगा, है ना? जीरो आएगा सर। हाँ अब सही है। वाई डबल डैश कितना आएगा? मतलब मैं आपको समझाने के लिए ये चीज ले रहा हूँ कि हर बार ये नहीं है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो गया तो उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव्स भी जीरो। आप ये बात से सहमत हो? नहीं। लेकिन आप कह रहे हो इसको फिजिकली बात समझाओ, है ना? फिजिकली बताता हूँ आपको, अगर किसी कर्व का स्लोप जीरो है तो उसके स्लोप का स्लोप ये नहीं बताता कि वो उसका स्लोप का स्लोप ये बताता है कि वेदर देयर एग्जिस्ट मिनिमा और मैक्सिमम, क्योंकि स्लोप का स्लोप ये बताता है कि भाई ये स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। समझ रहे हो? नहीं हो गया सर। ठीक, तो ओवरऑल आप इस बात से आप सहमत हैं कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट टर्म जो होगी, कम से कम एक टर्म लेनी हो तो कौन सी टर्म लेंगे? थर्ड टर्म तो लेनी पड़ेगी, बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर सभी को निग्लेक्ट कर दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना? तो अप्रोक्सीमेशन भी ऐसे लेते हैं कि जिससे सवाल बना रहे। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? हाफ क्या वी डबल डैश एक्स नॉट एच स्क्वायर, सही है यहां तक? ठीक है, बता सकते हो फोर्स क्या होगा? फोर्स अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग देखूं तो फोर्स कितना जनरेट हुआ होगा इस चेंज पोटेंशियल एनर्जी में इतने बदलाव की वजह से? माइनस डेल ओवर डेल एच डेल्टा बी, कितना फोर्स डेवलप हुआ होगा? माइनस वी डबल डैश एक्स नॉट एच। ठीक है,
और यहां से हम इसे लिख सकते हैं mh डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस b डबल डैश x नॉट h। आपको नोटेशन हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, तो यहां से h डबल डॉट इज इक्वल टू प्लस b डबल डैश x नॉट अपॉन m h इज इक्वल टू जीरो। सही लग रहा है नहीं? और यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं कि फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट h, h वेरीज एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इट सेज दैट इट इज SHM टाइप मोशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट इज यहां पे मैं लिखूं अगर अपनी लाइन को तो कैसे लिखूंगा, दैट इज एट x इज इक्वल टू जीरो एक्स जीरो विच इज मिनिमा इज एन अनस्टेबल इज ए स्टेबल पॉइंट इज ए स्टेबल पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी को डिस्प्लेस किया बावजूद इसके वो इधर उधर मोशन करने लगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा, इसका मतलब वो स्टेबल था। अगर अनस्टेबल होता तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट इधर उधर मोशन नहीं करता। भाई किसको बोलते हैं स्थिर है? स्थिर इसी को बोलते हैं जो कि अपने अपने ऊपर आई हुई कोई भी डिस्प्लेसमेंट कोई भी बाधाएं वो बर्दाश्त कर ले और इधर उधर होने के बाद सही हो जाए। जैसे आप जब सिंपल पेंडुलम को हिलाते हो तो क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का थोड़ी देर हिलने के बाद वहीं वापस आ जाता है, धीरे 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 वापस वहीं आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसा रहा होगा, जरूरी स्टेबल, तभी तो ये क्या हुआ बाद में उसी जगह पर वापस आ गया लौट कर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट के अबाउट SHM हो अगर आफ्टर पर्टर्बेशन, तो हम उस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्टेबल पॉइंट, है ना। इसका मतलब ये हुआ एट x इज इक्वल टू जीरो विच इज मिनिमा इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यहां पर मैं लिख देता हूं स्मॉल ऑसिलेशन, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं, या यहीं लिख देता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट बी डबल डैश एक्स नॉट अपॉन एम। आप लोगों ने फार्मूला देखा तो बहुत बार होगा, इससे लगभग नेट में हर साल एक सवाल जरूर आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी, ठीक है। समझ गए बात को भाई? ये बात तो आप, ये बात आप लोगों को यहीं पे क्लियर हो गई होगी, जब मैंने ये लाइन लिखी तब भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि चेंज कैसा हुआ है। जैसे स्प्रिंग में होता है, स्प्रिंग में क्या होता है फार्मूला, v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर x डिस्प्लेस करो, यहां पर h को डिस्प्लेसमेंट दिया तो हाफ v डबल डैश x नॉट h स्क्वायर, और इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स यहां पर भी आपको जरा अगर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का फोर्स नहीं दिख रहा है आपको, जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, अच्छा यहां पर देखिए मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं हुक्स लॉ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो इस तरीके के आने वाजिब है, आनी भी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन होएगी,
ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे यहाँ पर क्या जुड़ा हो, स्प्रिंग जुड़ा हुआ हो, और इस स्प्रिंग से अगर आप पार्टिकल को इधर उधर करोगे तो ये इधर इसके अबाउट इधर उधर करने लगेगा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब एक सिंबोलिकली बना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे पार्टिकल ऐसे जुड़ा हुआ हो, और आप इसको जब डिस्प्लेस कर रहे हो तो इसी के अबाउट इधर उधर मोशन करने लग रहा है। नहीं यस सर। इस पिक्चर में मैं ज्यादा वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी चलो समझाने के लिए लिख दिया है, बता दिए चीजें। क्या यहां तक आप लोग सहमत हैं मुझसे? यस सर। यस क्या लिखा हो? रूट के बाई एम होता है ना जी। अजय क्या कहना चाह रहे हो बेटा? अजय अजय शर्मा हो गया क्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ बेटा पूछ लो। सुनाई दे रहा है सभी को मेरी आवाज? चलिए चलिए, देर नहीं लगती, आवाज बंद कर ले सभी लोग। अब मैं दूसरे पॉइंट जो कि मैक्सिमा है उस पर चेक करता हूँ। मैक्सिमा कोई सा भी चूज कर लेता हूँ, थोड़ा दूर चूज कर लेता हूँ, क्योंकि वरना चित्र ये जो फिगर है बहुत मैश हो जाएगा आपस में। तो मान लीजिए मैंने ये जगह चूज कर ली मैक्सिमा वाली। ऑब्वियसली दे आर नॉट ग्लोबल मैक्सिमा, इस कर्व में ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा अलग होंगी, लेकिन अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो मान लीजिए इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए हम मान लेते हैं एक्स नॉट डैश। ठीक है, इस पॉइंट पर अब हम चेक करते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। फॉर या एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट डैश, इस पर देखते हैं क्या होता है, इस पर देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर भी मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए पता है वी एक्स नॉट डैश। अब मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं इसको, ये आप समझ रहे होंगे कि ये देख लें चाहे तो, अगर मैं दिखाना चाहूं तो आप लोग मत बनाना। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है वी एक्स नॉट डैश, और मान लीजिए आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने से क्या हुआ, ये पार्टिकल जो है वो इतनी पोटेंशियल एनर्जी रखने लगा डिस्प्लेस करने से, कहाँ पहुंच गया, चूंकि एक्स नॉट डैश प्लस एप्साइलन मान ले रहा हूं अब मैं, यानी आपने कितना डिस्प्लेस किया है, एप्साइलन डिस्प्लेस किया है। ऑब्वियसली एप्साइलन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम है ना, तो इस एप्साइलन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, मान लीजिए मैं यहां पर जगह कम है लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं वी एक्स नॉट डैश प्लस एप्साइलन। ठीक है ना? ठीक है बेटा, आप मुझे बताएं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एक्स नॉट डैश प्लस एप्सिलॉन एंड बी एक्स नॉट डैश। तो मैं यहां पर वही काम करूंगा जो अभी किया था, बाय टेलर सीरीज। वी जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी थोड़ी देर रुके रहे, बस साथ में बने रहे, अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, कम से कम एक क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर आज की क्लास में बने रहे। हाँ बताएंगे क्या लिखूंगा आगे, एप्साइलन अपॉन फैक्टोरियल वन वी डैश एक्स नॉट डैश प्लस एप्साइलन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वी डबल डैश एक्स नॉट डैश एप्साइलन क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री वी ट्रिपल डैश एक्स नॉट डैश एंड सो ऑन। माइनस ई नहीं आएगा, माइनस ई बेटा कहाँ पे है? सर माइनस एप्सिलॉन नहीं आएगा कहाँ पे? सर वी में। कैसे? यही तो है। मैंने एक्स को बढ़ाया है। सर वी तो कम हुई ना, उससे क्या मतलब, मैंने तो फंक्शनल फंक्शनल अपीयरेंस लिखी है उसकी। सर अरे मतलब मैं ऐसे थोड़ी लिख रहा हूँ कि बी एक्स नॉट डैश प्लस एप्सिलॉन, ऐसा थोड़ी लिखा है कोई मैंने, ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, एप
एक्स नॉट डैश प्लस एप्सिलॉन हो चुकी है। और ये वाला सर वाई वाला जो एक्सिस है अपना वाई एक्सिस सब पॉजिटिव में ही है ना? हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है? नहीं सर आ गया समझ, आ गया ना? फिर सुने आगे, सिंस आप मुझे बता सकते हैं वी डैश एक्स नॉट डैश कितना होगा? वी नॉट एक्स नॉट डैश जीरो, जीरो ही होगा क्योंकि मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो दोनों पर ही फोर्स कितना है? जीरो। एंड एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा है देन क्या हो जाएगा? वी एक्स नॉट डैश प्लस एप्सिलॉन माइनस वी एक्स नॉट डैश इधर ले आ रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला टर्म तो हो गया जीरो। बच्चा पहला सिग्निफिकेंट टर्म कौन सा? वी डबल डैश एक्स नॉट डैश इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, और हायर ऑर्डर टर्म को अगर छोड़ दूंगा तो यहाँ प्लस की इक्वल की जगह अप्रोक्सीमेट लगा ले रहा हूँ, क्या ठीक है ये बात? Yes, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं सिमिलर इक्वेशन सी तो आ रही है, कोई फर्क थोड़ा ही है। आप बता सकते हो इसकी डायरेक्ट, वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ मोशन, डायरेक्ट ही बता दो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस वी डबल डैश अपॉन एम इज इक्वल टू जीरो। कैन यू रिकॉग्नाइज द मोशन ऑफ द पार्टिकल? ये मोशन कैसी है? सिंपल हार्मोनिक है या नहीं? नहीं है सर। क्यों नहीं? क्यों बेटा बताओ, नहीं क्यों है सर? मैक्सिमा है ना तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो सर नेगेटिव तो SHM कंडीशन नहीं देगा ना। नेगेटिव क्या चीज होगी? V डबल डैश सर। V डबल डैश नेगेटिव होगा चूंकि, और ये टर्म नेगेटिव है, अगर आपको पॉजिटिव दिख रही है वो आपकी देखने के ऊपर डिपेंडेंट है, ये टर्म नेगेटिव है क्योंकि आपको पता होगा डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर पॉजिटिव होता है, उस पॉइंट पर नेगेटिव होता है ना। यहाँ पर बी डबल डैश एक्स नॉट डैश लेस देन जीरो होता है, और यहाँ पर बी डबल डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो होता है। क्या समझते हैं इस वाली बात को? नेगेटिव कैसे होती है ये? नेगेटिव कैसे होती है? वैसे 12th क्लास में पढ़ा होगा ना ये चीज? हाँ सर, हाँ सर पढ़ी तो है ना। बता देता हूँ मैं से नेगेटिव कैसे होती है, कुछ लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है चलो जानने की, तो अच्छी बात है। वैसे मैथमेटिक्स में ये चीज समझाई जाती है। आप मुझे बता सकते हो किसी मैक्सिमा वाले पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव अगर लिखना हो, ये मान लीजिए एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स नॉट लिखना हो तो कैसे लिखोगे? क्या मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं? ये सर बताओ ये वाली बात, जिसने पूछा बच्चे ने वो बताए, मैंने गलत तो नहीं लिखा? नहीं लिखा, x नॉट लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ ये तो फार्मूला होता है ना, अगर सिंगल डेरिवेटिव लिखता तो यहाँ डेरिवेटिव नहीं लगाता, डबल डेरिवेटिव लिख रहा हूँ तो यहाँ डबल डेरिवेटिव लगा दे रहा हूँ सिंगल। आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स नॉट? एफ डैश एक्स नॉट जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा ना सर। और बता सकते हो एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच मतलब यहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा स्लोप, नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव स्लोप होगा क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, tan 90 की वैल्यू जो होती है tan 90 प्लस थीटा नेगेटिव होता है, तो ये टर्म नेगेटिव है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, तो बताओगे ये स्लोप कैसा आएगा? तो नेगेटिव, इसलिए बेटा ये नेगेटिव आता है।
समझ आया नहीं? आ गया आ गया बेटा? यस सर। कम से कम ये तो बता दो आ गया नहीं आ गया। यस सर आ गया। अच्छा चलिए, तो ये कह सकते हैं कि ये SHM है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है SHM, दिख भले ही रही है एक क्वेश्चन कैसी SHM की तरह, लेकिन कायदे में ये प्लस साइन बस वर्चुअली दिख रहा है, ये एक्चुअल में नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन डबल डॉट एप्सिलॉन के प्रोपोर्शन में आएगा। इसका मतलब कैसी मोशन होगी? ट्रांसलेटरी। कैसी होगी? ट्रांसलेटरी। और ट्रांसलेटरी मोशन होगी इसका मतलब क्या हुआ? आपने धक्का दिया और धक्का देने के बाद वो कभी उस जगह पर वापस नहीं आया जहां से धक्का दिया, तो फिर कैसा पॉइंट है वो? अनस्टेबल। अनस्टेबल दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट डैश, मतलब मैक्सिमा इज ए अनस्टेबल, इज एन लिख दे रहा हूं मैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है सर, ऐसे भी सर मैक्सिमम पॉइंट में तो सर जो डबल डेरिवेटिव है वो तो सर मतलब लेस देन जीरो ही तो होता है ना? हाँ तो लेस देन जीरो नेगेटिव ही तो हुआ। अच्छा ओके, लेस देन जीरो नेगेटिव ही तो होता है। हाँ नहीं नहीं असल में आपने वो ग्राफ ड्रॉ करके बताया था तो मैंने ऐसे ही मतलब बोल दिया। बेटा ग्राफ ड्रॉ करके मैंने वो बताया जिससे तुम्हें ये याद हुआ है कि ये नेगेटिव होता है। मैथमेटिक्स की मैक्सिमा मिनिमा की बुक देखना कोई सी भी, उसमें ये पहले ही बताया गया होगा ये वाला। हाँ सर, हाँ सर। ये याद हम लोगों ने कर लिया है लेकिन आता ऐसे ही है। ठीक है, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा। ये पहचानने का तरीका क्या है? आप डबल डेरिवेटिव चेक कर लो और सिंगल डेरिवेटिव से क्या पता लगा लो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इन समरी में बोल दूं, नोट मतलब इन समरी में बता दूं, तो क्या करा हमने अभी तक कि अगर मान लीजिए हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पता करने हैं, तो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हमें चेक क्या करना होगा? वी डैश एक्स को जीरो रख देना होगा, इससे जो निकल के आएंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, है ना? और अगर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में ये छांटना है कि कौन सा स्टेबल होगा कौन सा अनस्टेबल होगा, तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बी डबल डैश एक्स क्या होगा? बी डबल डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। और फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बी डबल डैश एक्स क्या होगा? नेगेटिव। अपने काम का ये है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन ऐसे पॉइंट के अबाउट ही होगी, अपने काम का ये नहीं है। इसमें कैसी होगी? नॉन ऑसिलेटरी या ट्रांसलेटरी मोशन। ये है इन समरी जो अभी तक पढ़ाया उसका। तो अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे बता दो, मैं पीछे से फिर से एक बार लिखा दे रहा हूँ सारी स्लाइड, एक बार इसको देख लो। अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। स्मॉल ऑसिलेशन का एक पूरा आपको असाइनमेंट दिया हुआ है और मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई डाउट नहीं है?
इसमें देख लो कोई डाउट हो तो। लास्ट स्लाइड देख लो बेटा, एक मिनट में जरा ये क्वेश्चंस डाल लूं आप लोगों के लिए, थोड़ा आसानी रहेगी। चलिए अब बताएं कोई दिक्कत। चलिए मान के चलता हूं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जरा असाइनमेंट नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, पेज नंबर 23। इस प्रॉब्लम को देखें आप लोग, इसमें लिखा हुआ है कंसीडर द मोशन ऑफ ए क्लासिकल पार्टिकल इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल डबल वेल पोटेंशियल। डबल वेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप डबल वेल जैसा आता है, वो मैं आप लोगों को भी दिखा भी दूंगा। ये इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस इनफाइनिटेसिमली फ्रॉम द मिनिमम ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड देन। तो पहले तो आप ये बताओ, मिनिमम से इसको अगर इसको डिस्प्लेस किया गया है तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक होगी या नहीं? सिंपल हार्मोनिक होगी, होगी सर। तो पहली बात तो ये सी और डी तो सही नहीं होंगे, इसका मतलब देखो पहले तो इसका पिक्चर बना लेता हूं थोड़ा, क्योंकि डबल बेल क्या है, हालांकि इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। सी तो नहीं होगा बेटा, कुछ लोगों ने बता दिया सी आंसर है, बी होगा कुछ लोग कह रहे हैं। चलिए खैर देखते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी होगी किसी भी सवाल की वो आप देख लें। तो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट छांटने हैं अगर, तो आपको क्या करना तरीका बताया मैंने, क्या बताया, वी डैश एक्स को जीरो रख दो, वी डैश एक्स को जीरो रखें तो यहां से आएगा कितना, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू टू एक्स बराबर जीरो, यानी कि यहां से आएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट टू एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट टू। एम आई करेक्ट और नॉट सर? इसका मतलब क्या है, या तो जीरो पर होगा मैक्सिमा या मिनिमा, प्लस रूट टू पे मैक्सिमा या मिनिमा, माइनस रूट टू पर मैक्सिमा या मिनिमा। अब मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस, मैक्सिमा और मिनिमा, इसके लिए क्या करो आप, बी डबल डैश एक्स एक्स को निकालो, कितना आएगा यहां से, बी डैश एक्स सामने लिखा हुआ है आपके, जीरो पे माइनस टू, नहीं नहीं अभी रुको पहले करने दो मुझे, तो यहां से आएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, ना एक्स क्यूब माइनस टू एक्स आया था, तो इसका हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब आप इसको वन पर चेक करो, पहले जीरो पर चेक करो, माइनस टू आएगा,
रूट टू पर चेक करो, प्लस रूट टू पर फोर, प्लस रूट टू पर फोर आएगा प्लस का, और माइनस रूट टू पर भी फोर ही आएगा, फोर ही आएगा। इसका मतलब यहां पर मैक्सिमा होगी और यहां पर होगी मिनिमम, इसका मतलब तो यही हुआ है ना सर। तो अगर मैं इसका पिक्चर बनाऊं तो आप बना भी सकते हो पिक्चर, इस इतना एनालिसिस के बाद आप बी एक्स का पिक्चर बनाना चाहो तो बना सकते हो। जीरो पर क्या है मैक्सिमम, और प्लस रूट टू और माइनस रूट टू पर क्या है मिनिमम, और जीरो जीरो से पास हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कितनी वैल्यू है वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वन है। तो आप देखें कुछ इस तरीके का प्लॉट नहीं आएगा, नहीं समझ में आया इसीलिए। देखने में कैसा लग रहा है, दो गड्ढे नजर आ रहे हैं आपको, दो गड्ढे मतलब दो डिप, इसीलिए इसको बोलते डबल बेल। डबल बेल पोटेंशियल, ठीक है ना, क्लियर है सर। आप बता सकते क्या कह रहे बेटा सर, प्लस माइनस रूट टू पे तो जीरो नहीं आएगी पोटेंशियल की वैल्यू, प्लस माइनस रूट टू पे जीरो आएगी तो ये हटाना पड़ेगा मुझे। यस सर। तो ये ऐसा आएगा, सही कह रहे हो। अब ठीक है, यस सर। अब हाँ सर, मैसेज पर्सनल वो कर लो होस्ट अभी बेटा, कर रहा हूँ, वो पॉपअप हो जा रही है ना विंडो, मैं भी इसीलिए रुक जा रहा हूँ बार बार, एक मिनट में हो गया बस। चलो ठीक है, अब आप लोगों पास नहीं जाएंगे मैसेज, मेरे पास ही आएंगे, ठीक है। तो डबल वेल हो गया, अब आप मुझे बता सकते हैं वी डबल डैश एक्स कितना है, यानी कि ये कौन सी जगह हुई, ये कौन सी जगह हुई, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ स्टेबल, ये वाला क्या हुआ स्टेबल, और ये क्या हुआ अनस्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही ऑसिलेशंस होंगे, आप बता सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्मॉल ऑसिलेशन, आवाज बंद करो, आवाज बंद, स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा, एक फोन उठाना पड़ेगा मुझे, हाँ आवाज आ रही मेरी, स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओगे, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट बी डबल डैश एक्स नॉट, चाहे आप प्लस रूट टू ले चाहे माइनस रूट टू ले, सबके लिए प्लस चार दिए, और मास इसका दिया हुआ है क्या, नहीं मास नहीं दिया हुआ है, तो ये मानते हुए कि यूनिट मास है,
कायदे में देना चाहिए था, लेकिन यूनिट मास मानते हुए सवाल को हल कर देता हूं मैं। सर मतलब नहीं दिया होगा तो यूनिट क्यों मानेंगे? ठीक है बेटा, तो ये कह सकता हूं मैं कि इसमें देना चाहिए था या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है टाइप करने में, या फिर इसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा इस क्वेश्चन में। ओवरऑल अगर मास नहीं दिया हुआ है तो यूनिट मास मैं मानते हुए सॉल्व कर दे रहा हूँ कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन राइट वेल विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही होना चाहिए था, राइट वेल हो चाहे लेफ्ट वेल हो, दोनों के लिए ओमेगा की वैल्यू 2 ही आएगी। क्लियर हुई यहां तक बात? नहीं? हाँ सर क्लियर। ये वाला यूनिट वाला समझ में नहीं आया, वो कैसे ले लिए? मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें नहीं दिया हुआ तो ऐसा कर सकता हूँ मैं, क्लासिकल पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मास। अब ठीक हो जाएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता। एक बार आप लोग आंसर देखोगे इसका क्या दिया हुआ। सर बी दिया हुआ है, बी यूनिट मास ही है, वो गलती से रह गया होगा वो अलग बात है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई? सर स्लाइड कॉमन सेंस लेंगे बेटा, जो लोग कह रहे हैं कॉमन सेंस है वो कॉमन सेंस से नहीं लिखना है बेटा, यहाँ पे गिवन होना चाहिए था मास। ठीक है, वो अलग बात है कि राइट और लेफ्ट तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाकी सही है। यहाँ पे राइट भी लिख सकते थे, लेफ्ट भी लिख सकते थे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव सही हो जाते। खैर बाकी कोई एरर नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं। क्लियर हो गई यहां तक बात? यस। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इन द पोटेंशियल vx इज इक्वल टू माइनस हाफ अल्फा एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 बी एक्स रेज टू द पावर 4। ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वेयर इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट। क्या कर सकते हो आप लोग फॉर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? आप लोग करो, मैं भी कर दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मैं कर दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आप लोग कर लो। फॉर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या करोगे? वी डैश एक्स को जीरो रख दोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स रेस टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 0। सो वेयर इज दी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट? मैक्सिमा 0 0 0 प्लस माइनस रूट ए बाई अंडर रूट ए बाई बी ए बाई बी करेंगे। अब आप चेक करें वी डबल डैश एक्स कितना आएगा, माइनस ए प्लस 3bx2, यही तो आएगा सेकंड डेरिवेटिव। अभी आप चेक करेंगे जीरो पर, जीरो पर तो माइनस ए आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। लेकिन b डबल डैश प्लस माइनस अंडर रूट ए बाई बी पे कितना आएगा, 2a आएगा, जो कि पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि a और b का नेचर बता ही रखा है शुरू में ही, a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, सो ये स्टेबल पॉइंट हुआ अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट a अपॉन b,
सो हम यही निकाल दे रहे हैं, जगह बची हुई है यहाँ पर छोटी सी, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं बाकी बची हुई चीज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, बी डबल डैश 2a/m। सो योर आंसर शुड बी बी। क्या यहां तक बात क्लियर है? और आप इस तरीके के भरमार देखोगे क्वेश्चंस की, जो मैं आप लोगों को अब असाइनमेंट भी दिखाई देता हूं, ये देखें आप। आप नाइन्थ क्वेश्चन देख ले, इसमें भी वी दिया हुआ है। चाहे आप टेंथ क्वेश्चन देख ले, गेट में आया हुआ है। चाहे आप इलेवेंथ क्वेश्चन देख ले, टिफर में आया हुआ है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय सिंगल फार्मूला विच इज बी डबल डैश एक्स स्क्वायर रूट ऑफ बी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं। स्क्रीन दिखना बंद हो गई? यस सर। नो सर। एक मिनट तो बस। दोबारा आएगी स्क्रीन, ये लीजिए। अब दिखाई दे रही? यस सर। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोग खुद ही सॉल्व करें अभी। करें पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, इस यूनिट मास देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ सर। तो जहां मेंशन किया हुआ वहां तो, और ये वीएक्स आपको गिवन है। जरा जल्दी जल्दी पेन चला के मुझे बताना, आप लोग अपनी कॉपी पे जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, ज्यादा ज्यादा थ्योरी मत लिखो। वीएक्स ये दिया हुआ है और इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 भी दिया हुआ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी दिया हुआ है 2। तो इसका फटाफट क्या करूं, दिमागी ना लगाऊ ना, सिंगल डेरिवेटिव कितना आएगा, सिंगल डेरिवेटिव कितना आएगा? सबसे अच्छा रहेगा इसको पहले स्क्वायर रूट खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर। अब करो डिफरेंशिएट, 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x। दोबारा डिफरेंशिएट करो, 6x माइनस 8 है ना? यस सर। अब सीधे सीधे वो कह ही रहे हैं x इज इक्वल टू 2 पर निकालो ना, तो 2 लगा दो, अपने को क्या करना। हालांकि ये काम हम खुद भी कर सकते थे, 4 आया तो ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट 4 बटे यूनिट मास है, आंसर कितना आएगा 2। लेकिन टाइम पीरियड पूछा है तो t इज इक्वल टू 2π/ω होता है, तो 2π/2 मींस पाई आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी। किसी ने लिखा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कई लोगों ने बताया। क्या आपको ये समझ में आया? थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, कुछ बताया नहीं मैंने आपको, लेकिन समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। तो आपको थोड़ा फास्ट भी करना आना चाहिए ना, पूरी थ्योरी तो मैंने इसलिए लिखवाई 2-3 क्वेश्चनों में, इसको आपको पूरी बात समझ आए। ठीक है, अब आपको थोड़ा हाथ तेज चलाना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 10वां, आप लोग अपनी कॉपी में फटाफट करके बताएं मुझे कि टाइम पीरियड कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वीएक्स क्या गिवन है, बीआर vr गिवन है माइनस a बाई आर प्लस ए आर नॉट स्क्वायर। बेटा क्लास छोड़ना नहीं अभी, आप लोग सोचो कि बस यही क्वेश्चन सर करवाते रहेंगे और आज की क्लास ओवर हो जाएगी, इसके बाद दूसरी टेक्निक बताऊंगा। ये तो मोशन इन 1D वाली बात हुई है सर,
आर नॉट स्क्वायर अपॉन थ्री आर स्क्वायर नो आर क्यूब ठीक है इसमें लिखा हुआ व्हेन डिस्टर्ब स्लाइटली फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इट अंडरगोज ए स्मॉल ऑसिलेशन हार्मोनिक ऑसिलेशन द टाइम पीरियड तो सिंपली वही क्वेश्चन है बस सिंपल आपको इसको डेरिवेटिव करना है तो क्या करोगे v डैश r को जीरो रख दो ये देखना मैंने सही लिखा है क्या ठीक है तो इससे r कितना आया दो r तो कैंसिल हो जाएंगे एक a से ये कैंसिल हो जाएगा r बराबर प्लस माइनस r नॉट आ जाएगा जहां तक मैं समझ रहा हूं r इज इक्वल टू प्लस माइनस r नॉट सही है v डबल डैश r नॉट कितना आएगा 2a/r0 क्या चीज बेटा बता रहे हो पूछ रहे हो बताया था अच्छा कोई बात नहीं एक मिनट देख लो और डबल डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस 2a/r³ प्लस 4r0² r^5 यही आएगा अब r इज इक्वल टू आर नॉट अगर लगाएंगे तो कितना आएगा और माइनस आर नॉट लगाएंगे तो कितना आएगा टू ए बाई आर नॉट क्यूब यही तो आएगा ऑब्वियस है दूसरा वाला लगा के जरूरत ही नहीं क्योंकि यही मिनिमा आ गया यानी यही स्टेबल पॉइंट है ना तो टाइम पीरियड क्या आएगा 2π/√m/v" डायरेक्टली लगा दू 2a/r³ नहीं समझे क्या किया मैंने समझ गया सर आप लोग पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो उसके बाद निकाल लेना या फिर डायरेक्टली निकाल लो तो आंसर क्या हो जाएगा 2π√mRa कौन सा ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन ए आया किसी का था नहीं आया क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क बना दूं हाँ सर मुझे लगता है बना सकता हूं अब तो कई तरीके एक ही तरीके क्वेश्चन होंगे ठीक है ऐसे आप भरमार है क्वेश्चनों के आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं ठीक है बढ़ जाऊं आगे हाँ सर अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं एक नोट या नोट कह लें आप लोग नोट ही लिखवा देता हूं आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाए इससे रिलेटेड तो नोट ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का कर्व पता है आपको ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि फंक्शनल बिहेवियर आप लोगों को नोन होता है और मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है ठीक है और ये मान लीजिए आपका पोटेंशियल एनर्जी है और ये एक्स इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए बता रहा हूं और मान लीजिए यहां पर पार्टिकल खुद है स्टेबल पॉइंट है ये वाला और ये वाला पॉइंट जो है वो अनस्टेबल है और मान लीजिए पार्टिकल अभी इनिशियली यहां है और इफ यू वांट टू थ्रो दिस पार्टिकल और इफ यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन कि व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक दिस पार्टिकल अनस्टेबल मतलब आपको यहां स्टेबल इक्विलिब्रियम से आपको कहां पहुंचाना है फाइनली यहां तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए पार्टिकल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम एनर्जी
required to move a particle from stable equilibrium to unstable equilibrium. कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बता सकते हो? वी मैक्स माइनस बी इन मिन, ये तो जरूरत पड़ेगी। कैसे दोगे? अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही एनर्जी दोगे तो कितनी वेलोसिटी देते हैं पार्टिकल को कि वो स्टेबल से अनस्टेबल में चला जाए? अंडर रूट टू बाई एम वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन स्क्वायर रूट, है ना? क्या मेरी बात से सहमत है? या बी एफ माइनस वी इन वी मिन, आप इसको वी मिन बोल दे रहे हैं और इसको आप लोग वी मैक्स बोल दें अगर, तो यही तो होगा। क्लियर है जी? बना ले आप लोग, क्योंकि इतनी एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी आपको मिनिमम। अगर मैं मार्क करूं तो ये इतनी एनर्जी दे दो आप कहीं से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो आप क्या करोगे पार्टिकल को मिनिमा से मैक्सिमा में पहुंचा सकते हो। ठीक है, चलूं आगे या फिर अभी और एलैबोरेट करूं इस बात को? बेटा किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लेना, बार बार प्लीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत संकोच में रहते हो, अगर कुछ पूछना हो फिर भी पूछ लेना, बार बार कह रहा हूं। चले आगे बढ़े। अब अगर मान लीजिए रेडियल ऑसिलेशन की बात आए, ये भी एक नोट बना के ही लिख दे रहा हूं आपको, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको सेंट्रल फोर्स में करवाऊंगा, रेडियल ऑसिलेशन अंडर सेंट्रल फोर्स। फॉर रेडियल स्मॉल ऑसिलेशंस अंडर सेंट्रल फोर्स, अंडर सेंट्रल फोर्स, तो मैं अगर स्मॉल ऑसिलेशन बात करूं सेंट्रल फोर्स में, तब उसके लिए क्या फार्मूला होगा? तो आपको बता दूं वहां पर हम लोग बी इफेक्टिव का एक कंसेप्ट लेके आएंगे। हालांकि ये बी इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये आप लोगों को हल्का हल्का अंदाजा होगा, लेकिन जिस दिन आप लोगों को स्मॉल ऑसिलेशंस पढ़ाऊंगा मैं, सॉरी सेंट्रल मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, उस दिन आप लोगों को इलेबोरेट करूंगा। लेकिन फिर भी एक सिंबोलिकली आपको बात बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है सेंट्रल फोर्स में सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल ऑर्बिट थी, और मान लीजिए आपने क्या किया इस ऑर्बिट को पलटब्ड कर दिया। पार्टिकल करने का मतलब कुछ इस तरीके से ये ऑर्बिट पार्टिकल जो है लड़खड़ा गया, तो जो लड़खड़ाने की जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब लड़खड़ाने की फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको मैं बोल रहा हूं क्या ओमेगा आयर, जिसको मैं बोल रहा हूं रेडियल ऑसिलेशंस, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी जो इधर उधर होने की, अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट से इधर उधर होने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बी डबल डैश इफेक्टिव आर नॉट अपॉन एम स्क्वायर रूट होगी। यहां पर बी डबल डैश इफेक्टिव क्या होगा वो भी मैं लिख देता हूं, हालांकि मैं जब ये सेंट्रल फोर्स की बात होगी तब वहां पे इसको अच्छे से और इलेबोरेट करूंगा। बी इफेक्टिव आर इज इक्वल टू होता है जे स्क्वायर ओवर टू एम आर स्क्वायर, कुछ लोगों को याद भी आ जाएगा बी आर,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक रिमार्क, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन सेंट्रल फोर्स। ठीक है, क्वांटम में भी बताया होगा, जे को लिखा होगा एल एल प्लस वन पाई अपॉन, यही तो एच कट अपॉन टू पाई, यही तो लिखा होगा। वहां पे भी होता है क्योंकि सेंट्रल फोर्स आपने वहां पढ़े होंगे हाइड्रोजन एटम। चलिए आगे बढ़ूं, ले लो चले। अब आप लोगों को जनरल मेथड पढ़ाता हूं मैं, जनरल मेथड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। जनरल फॉर्मुलेशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। इसके आगे मैं लिख दूंगा मैट्रिक्स मेथड। आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा टूटा टूटा आप लोगों को याद भी होगा कि मैट्रिक्स में बी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी मैट्रिक्स को जीरो रख देते हैं, है ना? याद आ रहा है कुछ एमएससी का? लेकिन मैं उसका प्रूफ करवाना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आया। बहुत छोटा सा प्रूफ है इसलिए, जिससे कि उसके बारे में जो भ्रांतियां बनी हुई हैं आपकी वो हट जाए। तो मान लीजिए एक सिस्टम मान लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसकी दो है, पॉइंटर बहुत छोटा बड़ा है क्या, मतलब साफ नहीं दिख रहा बेटा हमारा लिखा हुआ? ठीक है दिख रहा है सर, थोड़ा सा वो दिक्कत ये हो रही कि पॉइंट पिन का पॉइंट एक्चुअली मेरा मिल नहीं रही है, इसकी पॉइंट कहाँ चला गया पिन? नहीं सर ठीक है सर, चलो कोई नहीं बेटा, अभी जुगाड़ करना पड़ेगा इसका क्योंकि मेरे पास इसका इसकी निब नहीं है अभी फिलहाल। एक दिन मैंने आपको बोला भी था कि मैं इसको पतला कर लूंगा लेकिन हो नहीं पाई। ठीक है जी, पीछे वाली स्लाइड देखनी है। चले मान लीजिए किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम दो है और रिक्वायर्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स वन एंड एक्स टू, और मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी इन जनरल क्या है, ए एक्स वन डॉट स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट प्लस सी एक्स टू डॉट स्क्वायर, इस टाइप की है। अब आप कहोगे ये कहां से आई, तो मैंने कहा ये इन जनरल लिख दिया है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल कुछ इस तरीके की है, ए बी सी हो गया, डी ले रहे हैं, डी एक्स वन स्क्वायर प्लस ई एक्स वन एक्स टू प्लस एफ एक्स टू स्क्वायर, इस तरीके की पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसी तो होती है, कभी बी वाली टर्म जीरो हो जाती है, कभी ई वाली टर्म जीरो हो जाती है ना?
ठीक है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसके लैग्रेंजियन लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए एक्स वन डॉट स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वन एक्स टू डॉट प्लस सी एक्स टू डॉट स्क्वायर माइनस डी एक्स वन स्क्वायर माइनस टू ई एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स टू स्क्वायर, यही तो होगा। और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्स वन एंड एक्स टू लिखूंगा तो क्या होगी, क्या आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्स वन एंड एक्स टू, कोई निकालेगा? सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो, वो बताएगा। यही आ रहा है, यही आया देखो। यस सर, और जरा इसी तरीके दूसरी निकालें, डेल एल ओवर डेल एक्स टू ये आएगा सी एक्स टू डॉट डबल डॉट प्लस बी एक्स वन डबल डॉट प्लस एफ एक्स टू एक्स वन, सही आ रहा है ये देखना। yes, सभी का आ रहा होगा वैसे, यहां तक देख लें सभी लोगों का आ रहा नहीं आ रहा। फॉर ए पर्टिकुलर नॉर्मल मोड या मोड मोड ऑफ ऑसिलेशन फॉर ए पर्टिकुलर मोड ऑफ ऑसिलेशन, मान लीजिए इंडिविजुअल जो एक्स वन और एक्स टू है वो ऑसिलेटरी मोशन जब भी कर रहे होंगे तो ऑब्वियस है उनका सोल्यूशन कुछ इस तरीके का ही होगा, ए रेस टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस बी ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, इसी टाइप का तो होगा इन जनरल। सी ई रेस टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस डी ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, यहां से अगर मैं एक्स वन निकालू दो बार डॉट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स टू डबल डॉट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वन आएगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू आएगा। इन जनरल इसका सोल्यूशन ऐसे ही तो लिखा जा सकता है, एक्स वन एक्स टू का जो आएगा इंडिविजुअल सोल्यूशन। अगर एक्स वन डबल डॉट और एक्स टू डबल डॉट की वैल्यू वन और टू में रख दें, अगर इक्वेशन वन और टू में अगर रख दें तो क्या मिल जाएगा हमें, एक मिनट बेटा पेज जोड़ लो इसमें, और एक्स वन डबल डॉट एंड एक्स टू डबल डॉट इन इक्वेशन वन एंड टू,
क्या मिलेगा? इक्वेशन वन और टू में अगर डालूंगा तो क्या मिलेगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स वन माइनस बी ओमेगा स्क्वायर एक्स टू प्लस डी एक्स वन प्लस ई एक्स टू। देखो जरा बेटा, अपने आप लगाओगे तब भी मिलेगा यही चीज। बड़ा अच्छे रिजल्ट पे पहुंचेंगे हम लोग अभी। ये दूसरा बताएं, माइनस सी ओमेगा स्क्वायर एक्स टू माइनस बी ओमेगा स्क्वायर एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस ई एक्स वन। देखो जरा चेक करके, यही आ रहे हैं। नहीं, आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे क्या करने को बोल रहा हूं मैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ये वैल्यू लगाने को बोल रहा हूं। मैंने लगा दी सर। यहाँ पर b ओमेगा स्क्वायर x1 नहीं सर, d ओमेगा स्क्वायर x1 होना चाहिए। नीचे वाला सर, ये इक्वेशन टू में सर। सही है सर, यही आ रहा है सर। ओके सर, आगे सर। सही है, सही है। अब जरा एक बार एक काम करो, इनको कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लो। x1 के कोफिशिएंट बताना क्या क्या है। d माइनस a ओमेगा स्क्वायर और x2 के e माइनस b ओमेगा स्क्वायर। सही है। और दूसरे वाले में x1 के e माइनस b ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। और x2 के f माइनस c ओमेगा स्क्वायर। f माइनस b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर, c ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये देख लो बेटा। क्या इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं मैं? नहीं। दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा बच्चा? कोफिशिएंट की मैट्रिक्स इनटू इस फॉर्म में लिखने को बोल रहा हूं। देखना ये सही लिखा हुआ है। यस सर। इसको थोड़ा और सेटलमेंट करो जरा, आगे देखते हैं, आगे वाले पेज पे ले चलते हैं। ऐसा करो, डी ई ई एफ एक साथ लिख लो। डी ई ई एफ और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक साथ कर लो। बची हुई क्या है? ए बी बी सी। ए बी बी सी सही लिखा हुआ है, देख रहा। और ये एक्स वन एक्स टू लिख दूं, जीरो जीरो लिख दूं। मैट्रिक्स में सिंबल दे दिया है बस, कुछ बदलाव नहीं किया है। सही है नहीं? सही है सर। आप मुझे बताओ, डी ई ई एफ ये सब है क्या?
डी ई एफ और ई दो बार क्या है पोटेंशियल एनर्जी में जो कोफिशिएंट इस्तेमाल किए हैं उनकी मैट्रिक्स है और ए बी बी सी जो काइनेटिक एनर्जी में कोफिशिएंट इस्तेमाल किए हैं वो है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है ये है पोटेंशियल एनर्जी के कोफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स इसको मैं नया सिंबल दे दे रहा हूं वी लेकिन थोड़ा सा बोल्ड करके बना दिया है और इसको मैं बना दे रहा हूं क्या ओमेगा स्क्वायर टी इसको भी थोड़ा सा मैं अलग सिंबल दे दे रहा हूं जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये मैट्रिक्स सिंबल दिया हुआ है और ये क्या है एक्स वन एक्स टू कोई बताएगा एक्स वन एक्स टू क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स इसको मैं एक्स नाम दे दे रहा हूं और ये क्या है जीरो जीरो नल मैट्रिक्स क्या मेरी बात से सहमत है यहां तक नहीं मैट्रिक्स नोटेशन लिख लिया है मैंने आप मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख लूं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं या नहीं यस सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कोई मैट्रिक्स हो सकता है जिसकी जीरो से मल्टीप्लाई करने पर नॉन जीरो नंबर दे या मैट्रिक्स दे इज इट पॉसिबल इज इट पॉसिबल कि एक मैट्रिक्स की जीरो से मल्टीप्लाई करूं और नॉन जीरो मैट्रिक्स मिले मुझे योर आंसर शुड बी नो तो अब ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट दैट इज पी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता किसी मैट्रिक्स का तो मैट्रिक्स कैसी होती है सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है जीरो होती है क्योंकि इनवर्स का आप लोगों को पता होगा फार्मूला एडजॉइंट ए इनवर्स जो होता है ए इनवर्स वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब मॉड ऑफ ए जीरो होगा याद आ रहा कुछ नहीं यस सर ये वापस समझाना बेटा आप लोगों ने चलो ये मैं बता दूंगा लेकिन आप लोग नोट करो मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों ने किसी ने ये पढ़ी है एस आई इज इक्वल टू लैम्डा साई हाँ सर ये क्या है आइगन वैल्यू इक्वेशन आइगन वैल्यू ठीक है आपको पता है कि आप आइगन वैल्यू कैसे निकालते हो a minus lambda is equal to zero. Can you explain how this a minus lambda is equal to zero? बता सकते हो कि ये क्यों क्योंकि डायरेक्ट तो रटा होगा आप लोगों ने क्वांटम में भी होगा लेकिन इसका कारण तो यही है जो मैंने अभी बताया है आप इसको कैसे लिखोगे ए साई माइनस लैम्डा साई इज इक्वल टू जीरो साई को बाहर लोगे तो लिखोगे ए माइनस लैम्डा आई साई इज इक्वल टू जीरो क्वांटम में ऐसे लिख देते हैं
और मैथमेटिक्स में ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, नहीं है? हाँ सर। उसके बाद अगली लाइन होगी साई इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई इनवर्स जीरो, फिर यही लिखा जाता है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट इंप्लाइज दैट ए माइनस लैम्डा आई इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बात समझ में आ रही है नहीं अब? हाँ सर। ऐसे समझा है नहीं? ए! क्यों ऐसे समझा है नहीं? हाँ सर। तो ये इसमें भी वही समझा हुआ है, देखे ध्यान से आप लोग, इसमें भी कोई नई चीज नहीं लिखी। अब मेरे हिसाब से आप लोग अगर इसको मैच करोगे तो आपको समझ आएगा क्यों लिखा मैंने। नहीं समझ में आई? यस सर। तो अपने को क्या करना है, अपने को करना ये है कि सीधे ये इस्तेमाल करेंगे, प्रूफ थोड़ी करेंगे बार बार। हम लोग क्या करेंगे देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे और सीधे डायरेक्ट पूछ जाएंगे कहां, यहां। नहीं समझे? नहीं समझे? मैंने गंदा कर दिया पेज को, बहुत साफ से लिखा था, लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिखना जानता ही हूं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानता ही हूं, उसके बाद सीधे मैं इस पे लिखूंगा इस मैट्रिक्स को और डायरेक्ट इस फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा। समझ आ रहा है मेरी बात को? यस सर। मैं इसको अभी सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगी बात। फिलहाल आपको मुझे लगता है ठीक ही लगा होगा, ऐसा कोई खास खराब नहीं लगा होगा। एक यहाँ पर नोट है, एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया इस तरीके का सवाल, नोट मैं एक लिखवाना चाहूंगा, बहुत अच्छा नोट है, क्योंकि मेरे को भी एक बार पूछा गया था तो मैं करके आया था, मेरा भी ठीक हो गया था तुक्के से। और वो नोट ये है कि अगर मान लीजिए, मैं उस दिन भी आप लोगों को बताया होंगे वाली बात, कि अगर वी में मतलब और टर्म भी होते एफ जी एच आई इस टाइप के टर्म होते, समझ रहे हो, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म, तब भी पोटेंशियल एनर्जी की जो मैट्रिक्स बनती वो किन से बनती, केवल इन्हीं से, क्या डी ई एफ, इनको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन आपको बताया था लीनियर टर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लीनियर टर्म का मतलब पोटेंशियल एनर्जी की लीनियर टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी, कांस्टेंट फोर्स को, और कांस्टेंट फोर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट को इफेक्ट डाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को नहीं। तो इसलिए लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कराना है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? रिपीट कर देना, रिपीट क्या, पूरी बात लिखूंगा तो शायद समझ में आ जाएगी। फॉर जी एक्स वन एंड एंड एच एक्स टू फोर्स इज कॉन्स्टेंट, क्या मेरी बात समझ में आ गई? And for I, forces क्या होगा, जीरो, कॉन्स्टेंट के लिए जीरो आएगा फोर्स, लीनियर के लिए कॉन्स्टेंट आएगा। सो इट मे बी पॉसिबल डेट इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजिशन चेंज बट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट चेंज,
which can affect equilibrium point, not frequency. अब समझ में आई नहीं आई बेटा? बताओ, अगर अभी भी चाहते हो तो रिपीट कर दूंगा ये बात। मैंने याद हो तो मैंने काफी बार समझाई थी आप लोगों को कि कांस्टेंट फोर्स केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन को बदल सकता है। आ गया सर, आ गया, ये बात पहले भी हो चुकी है, ठीक है। चलिए, कितने क्वेश्चन हो चुके थे याद है किसी को? 17 हो चुके थे सर। लास्ट पेज थोड़ा दिखा दीजिए। कितने क्वेश्चन हो चुके थे कॉपी में देख के बताओ सर। 17 17 सर, 17 हुए। 18 क्वेश्चन लिखते हैं, 18th नंबर। हो गया सर 18 नंबर। हम रिपीट कर रहे हैं बेसिकली, है ना, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। ये आप लोगों ने करा हुआ है, फिर भी दोबारा करवाता हूँ। और मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन का नंबर भी आप लोग मुझे बता ही दोगे जैसे ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? शायद 14 का डी पार्ट या ई पार्ट था। अच्छा चलो छोड़ो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हो कितनी होगी इसकी? टू होगी। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे? टू एक्स वन और एक्स टू। आप मुझे बता सकते हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वन x1 dot square plus half m2 x2 dot square। क्लियर है? किसी ने बताया एट जो भी है, 8D है। खैर, आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी की जो मैट्रिक्स बनेगी, जो अभी मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स बनाने का तरीका, वो क्या बनेगी? पहली बात तो कितने बाई कितने की बनेगी ये देखो, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उतने बाई उतने की बनती है। आपने अभी पीछे देखा कि अपने पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी तो 2x2 की मैट्रिक्स बनी थी, सारी बनी थी ना। और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी की जो मैट्रिक्स थी उसमें x1 dot square का कोफिशियंट यहां आया था, x2 dot square का कोफिशियंट यहां आया था, और x1 dot x2 dot का आधा कोफिशियंट यहां और आधा यहां आया था। ठीक है बेटा, आवाज बंद रखें। ठीक है, तो x1 dot square का कोफिशियंट यहां आया था, x2 dot का इस कोफिशियंट का इस कोफिशियंट बस सॉरी x2 dot square का कोफिशियंट यहां आया था, और x1 dot x2 dot चूंकि यहां है नहीं इसलिए ये कोफिशियंट क्या होंगे? आधे आधे 0-0 होंगे। क्लियर आ रही समझ में? अब जरा पोटेंशियल एनर्जी बताना आप लोग क्या होगी इसकी, आप लोगों को पता है? x2 minus x1। इसका होल स्क्वायर अगर मैं खोलू तो ½ k x2 square plus x1 square minus 2 x1 x2। तो अगर मैं आपसे कहूं पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स क्या बनेगी, x1 square का कोफिशियंट यहां जो कि k/2 है, x2 square का कोफिशियंट यहां जो कि k/2 है, और x1 x2 1-2 वाली पोजीशन है ना ये, तो x1 x2
का कोफिशिएंट कितना है माइनस के, उसका आधा यहाँ रखना है और आधा यहाँ। हाँ सर, ये आपको समझना है तो एक बार फिर से देख ले। जैसे आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये वन वन वाली पोजीशन होती है, वन टू या वन थ्री इस तरीके से होती है, ये टू वन टू 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 थ्री ऐसी, तो एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता रहता है, थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री ऐसी तो होगा। तो आप ऐसे समझे एक्स वन ऐसे लिखा हुआ है, तो कितना हुआ एक्स वन डॉट स्क्वायर ही तो हुआ, उसका कोफिशियंट यहां भर देना है। ये लिखा हुआ है एक्स टू, एक्स टू कोफिशियंट का यहां रख देना है। ये क्या है एक्स वन एक्स टू डॉट, और ये क्या है एक्स टू एक्स वन डॉट, ये दोनों एक ही जैसे तो हुए, तो आधा यहां भर देना है आधा यहां भर देना है। सिमिलरली एक्स वन एक्स थ्री डॉट, इसका आधा यहां भर देना है आधा यहां भर देना। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ये मैं हटा देता हूं, तो आप मुझे बताएं ये सही लिखा हुआ है। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स आ गई। अब आधा काम हो गया, बचा हुआ काम आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके आगे जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे ऐसे, फॉर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूं मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग लिखेंगे फॉर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। थैंक यू सर। तो फॉर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपको कुछ नहीं, वही फार्मूला लगाना है, वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। अब वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा स्क्वायर टी इसकी मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर टी और वी से घटा दो, तो k by 2 minus m omega m1 omega square by 2, k by 2 minus m1 omega square by 2, सही लिखा है मैंने पहला टर्म? अब अगला वाला आएगा minus k by 2, ये वाला आएगा minus k by 2 क्योंकि वो जीरो जीरो है, और ये वाला आएगा k by 2 माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर बाई टू। ये गड़बड़ ना हो इसलिए ब्रैकेट में रख लेना, जिससे कि याद रहे कि अलग अलग है, ये पहला एलिमेंट है, दूसरा तीसरा चौथा, सही लिखा हुआ है। अब आप देख रहे होंगे बाई टू बाई टू बाई टू बिना बात परेशान कर रहा है, तो अगर सब जगह ही बाई टू है तो जीरो में मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे। तो क्यों ना बाई टू हटा ही दे, तो अपने को यहां से अगर मैट्रिक्स खोल दे तो क्या आएगा, के माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर इंटू के माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर जीरो, सही लिखा हुआ है? जी सर। यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगला टर्म आएगा एम वन एम टू वाला जो कि प्लस आएगा, ओमेगा की पावर चार, और माइनस के दो टर्म आएंगे ओमेगा स्क्वायर के वाले जिसमें एम वन प्लस एम टू आएगा, सही लिखा हुआ है? नहीं। और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से अगर आप देखो तो दो रूट आएंगे, ओमेगा की एक वैल्यू जीरो आ रही है जिसको ओमेगा वन दे देते हैं नाम, एंड एक ओमेगा की वैल्यू आ रही है कितनी, अंडर रूट m1 plus m2 by m1 k upon mu,
m1 plus m2 upon m1 m2 ये बना upon mu तो हुआ हाँ सर where mu is reduced mass तो ये दो normal frequency इसमें exist करेंगी तो पहली बात पे ये complete हुई बेटा फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में कोई सेंस नहीं रखती वो रूट कोई मतलब नहीं है उसका लेने का समझ रहे हो फ्रीक्वेंसी का नेगेटिव में होना कोई मतलब नहीं है उसका अब बात आती है फॉर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बाद फॉर नॉर्मल मोड फॉर नॉर्मल मोड अब नॉर्मल मोड्स निकालने के लिए क्या करना है आपके पास दो दो फ्रीक्वेंसीज आएंगे तो दोनों की करस्पॉन्डिंग हमें एक्स निकालना है दोनों के करस्पॉन्डिंग हमें एक्स निकालना है तो मान लीजिए पहले सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 व्हिच इज इक्वल टू 0 है ना मान लीजिए नॉर्मल मोड क्या है एक्स 1 व्हिच इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरीके का नॉर्मल मोड है एक्स 1 जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर है तो जो v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी यही तो थी मेन इक्वेशन x is equal to 0 यही तो थी मेन इक्वेशन पीछे देख रहे ये इक्वेशन इस इक्वेशन से नॉर्मल मोड्स मिल जाएंगे आपको तो नॉर्मल मोड्स v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी एक्स इज इक्वल टू जीरो इसमें लगाए तो एक्स वन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे ओमेगा वन लिख दे रहा हूँ ठीक लिखा है अगर एक्स वन लिख रहा हूं तो ओमेगा वन लिख दे रहा हूँ ओमेगा वन की वैल्यू जीरो है तो ये कितना आ जाएगा v एक्स वन इज इक्वल टू जीरो v एक्स वन इज इक्वल टू जीरो और v कितना है V कितना है k by 2 माइनस k by 2 माइनस k by 2 k by 2 अल्फा 1 अल्फा 2 0 0 यही है यहां से बताओगे अल्फा 1 और अल्फा 2 में क्या रिश्ता आएगा अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू मतलब कैसे निकला होगा जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे इसके कॉलम से तो यहां से बराबर जीरो किसके रखेंगे बराबर जीरो के तो आपको क्या मिल जाएगा अल्फा बराबर अल्फा टू नीचे वाले से भी यही मिलेगा इसका मतलब ये तो नहीं पता चला अल्फा क्या होगा लेकिन यहाँ ये कन्फर्म हो गया कि एक्स वन कुछ भी होगा वो ऐसा होगा अल्फा अल्फा टाइप का अल्फा अल्फा टाइप का होगा ठीक है अब एक्स वन मिल गया दूसरा काम करते हैं फॉर ओमेगा टू इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई म्यू के लिए निकालो फॉर ओमेगा टू इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई म्यू मतलब अंडर रूट के एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन एम टू यही तो आएगा भाई मान लीजिए इसके लिए एक्स टू कितना है बीटा वन बीटा टू लगा दें आप बी माइनस
ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो में, तो आप जरा लगाएं वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, तो पहली टर्म क्या आएगी जरा बताएं कैलकुलेट करके। k by 2 minus m omega square upon 2, m1 omega square upon 2 था ना, तो वहां लगाएंगे तो k1 upon k2 m1 upon m2 cancel हो जाएगा और m2 upon m1 बच जाएगा, है ना। तो देखो जरा ये minus m1 upon m2 तो बचेगा, चेक करो आप लोग अपने हिसाब से। पहला टर्म omega t की वैल्यू डाल दो, यहां डाल दो, सीधे सीधे यहां डाल दो, ये तो है पहला टर्म k by 2 minus m1 omega square upon 2, m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 m2 वाले एक टर्म कैंसिल हो जाएंगे, m1 upon m2 minus का बच जाएगा, सही बोल रहा हूं नहीं? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला टर्म आएगा minus m2 upon m1 k और ये हो जाएगा बीटा वन बीटा टू बराबर जीरो। अब फिर वही करना है हमें, क्या इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इससे और ये बराबर रखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, बीटा टू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एम वन अपॉन एम टू इनटू बीटा वन, माइनस m1 upon m2 बीटा वन, तो क्या कहोगे, तो क्या कहोगे x2 क्या होगा, दैट इज x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, नहीं अगर ये बीटा है बीटा वन तो ये माइनस का m1 upon m2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, अगर बीटा वन बीटा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस m1 upon m2 बीटा, बस एक मिनट और लूंगा आप लोगों का, क्लास लगातार छोड़ रहे हैं बच्चे, बस दो मिनट फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ ले, इसको हम लोग कल भी आगे बढ़ाएंगे इसी सीन को पूरे को, नोट कर लिया ये? यस सर। फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख ले उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख ले पहले, आज पांच क्लास थी, हाँ? Yes, sir. तो ऐसा है अभी क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है सर, डेली एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन वाली स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ बस, सर ऐसा है, सर करवा दीजिए, करवा दीजिए सर, एक एक लाइन बस समझ लो, कोई बात नहीं, देखो आप लोगों पे अत्याचार बिल्कुल नहीं करने का मूड है मेरा, नहीं सर मरेंगे तो करके मरेंगे नहीं 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 मरेंगे क्यों, मरेंगे दुश्मन, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी देखो, अगर मैं टेबुलेट करूं नॉर्मल मोड अगर दिखाऊं और अगर उनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन सामने दिखाने की कोशिश करूं तो कैसे दिखाऊंगा, सबसे पहली बात इसमें कितने नॉर्मल मोड हैं, दो, पहला और दूसरा, जिसके लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आई थी जीरो, इसके लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आई थी ओमेगा टू इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई म्यू, नॉर्मल मोड अगर देखें तो कैसा था, एक्स वन इज इक्वल टू था अल्फा अल्फा और x2 इज इक्वल टू है बीटा माइनस m1 अपॉन m2 बीटा, यही तो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब, क्या है मेरा कि कैसे कर रहा होगा वो सिस्टम,
तो यही सिस्टम तो था। ये बेसिकली ये कह रहा है कि अल्फा अल्फा बराबर है, मतलब एक्स वन भी अल्फा एक्स टू भी अल्फा, इसका मतलब ये जितना डिस्प्लेस हो रहा है उतना ही डिस्प्लेस ये भी हो रहा है। ऑब्वियस है तब स्प्रिंग का रोल क्या हो जाएगा, खत्म। अगर दोनों बराबर मात्रा में डिस्प्लेस होंगे तो स्प्रिंग का रोल खत्म हो जाएगा, और अगर स्प्रिंग का रोल खत्म हो गया तो फिर ऑसिलेटरी मोशन होगी नहीं। कौन सी मोशन होगी? ट्रांसलेटरी। फ्रीक्वेंसी का कोई मीनिंग ही नहीं, इसीलिए फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? जीरो। तो जहां जहां फ्रीक्वेंसी जीरो आएगी वो इसी तरीके के मोड होंगे कि ये सारे एलिमेंट बराबर होंगे। और यहां पर अगर देखें आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ब्लॉक बीटा का डिस्प्लेस हो रहा है तो दूसरा वाला उल्टी डायरेक्शन में माइनस एम वन अपॉन एम टू बीटा हो रहा है। स्प्रिंग अपना रोल प्ले कर रहा है, स्प्रिंग दब रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, जिस वजह से वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, अंडर रूट के बाई मी। इसको हम और डिटेल में बताएंगे। आप लोगों ने रमन एक्टिव और इंफ्रारेड एक्टिव मोड्स पढ़े होंगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर में, या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा। जिन मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री होती है वहां पर मोड्स किस तरीके के होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये पढ़ा है? नहीं, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं। CO2 मॉलिक्यूल के इस तरीके से करता है वाइब्रेट, इस तरीके से कुछ इस तरीके से पढ़ा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो वो यहाँ तो दो पार्टिकल है। आप लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर की अगर बुक पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों को मैं किट्टल वगैरह की, आप देखना सॉलिड स्टेट की बुक, जिसमें दो चैप्टर है, फोनॉन वन फोनॉन टू, पढ़ा होगा आप लोगों ने किट्टल की, सी किट्टल। उसमें लीनियर एटॉमिक चेन है, मतलब इसी का एक्सटेंशन है बेसिकली। एक्सटेंशन ये है कि इसमें एक दो पार्टिकल इसमें क्या होंगे, लीनियर एटॉमिक चेन, कुछ इस तरीके की याद आ रही हो आप लोगों को। छोटे पार्टिकल होने की वजह से एक दो फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होने से क्या होता है, वहां पर बाकायदा फ्रीक्वेंसी का एक कर्व बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोनॉन डिस्पर्शन कर्व। पढ़ा है? साइज क्या है मॉलिक्यूल का इस पर, तो फोनॉन डिस्पर्शन कर्व की जगह यहाँ पर मतलब उसी के सोल्यूशन आते हैं इस तरीके। तो ये बेसिकली क्लासिकल है, वहां क्वांटम मैकेनिकली करते हैं वही ट्रीटमेंट। फिलहाल मेरे को इतना कहना था, अभी अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, आप लोग ज्यादा परेशान अपने आप को ना करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आप लोग कोई पूछना हो तो रुक जाए, अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हैं क्लास। हाँ पूछो। तो सर इसमें मास m2 के अंदर मास m1 आ रहा है, और मतलब अपोजिट मास के मतलब उस डिस्प्लेसमेंट में मास का इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। अगर मान लो एक बहुत भारी मास, m2 मास बहुत बड़ा है ना, और m1 बहुत छोटा है, तो m2 तो हिलेगा ही नहीं, m1 ही हिलता रहेगा। नहीं, अगर मान लो ये वाला मास सेकंड वाला बहुत बड़ा होता तो m1 अपन m2 नेगलिजिबल तो होगा। हाँ सर। और आप कॉमन सेंस से सोच के देखो, एक छोटी सी रस, एक छोटे से पार्टिकल को आप स्प्रिंग से एक बड़े पार्टिकल से बांध दो, क्या होगा? यही वाला हिलता रहेगा, ये वाला तो हिल ही नहीं पाएगा, थोड़ा मोड़ा हिलेगा अगर हिलेगा भी। और ये कह भी रहा है देखो, M1 upon M2 लिखा हुआ है, M2 बहुत भारी है, तो ये negligible नहीं आएगा। सर, तो होना चाहिए ऐसा। सर, हाँ। सर ये क्वेश्चन नंबर 18 जो कराम ने, उसमें सर जो मैट्रिक्स फॉर्म हुई है जिसमें M1 by 2 और 0 ये वैल्यू फिल करिए, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। सर एक बार सारी स्लाइड्स शो कर दो। क्या कह रहे हो? पहले स्लाइड दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग पूछ लेना।
आज काफी सारी स्लाइड पढ़ा दी ना। हाँ पूछो बाकी बेटा, कौन पूछ रहा था? सर क्वेश्चन नंबर 18 में जो मैट्रिक्स में वैल्यू फिल करी है वो एक बार और बता दीजिए इक्वेशन से। अभी बता रहा हूँ, वहां पहुंचने दो। हेलो। यस सर। हाँ बेटा कौन सा बता रही थी आप, ये मैट्रिक्स में कैसे बांटते हैं? नंबर 18। हाँ सर। देखो यहाँ पर आएगा कौन, अच्छा इस प्लेस का नाम क्या है ये बताओ सर। A11। वन वन, तो वन वन मतलब x1 लिख लो। x1 क्या हुआ, x1 स्क्वायर। यस सर। तो x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां डाल दो। ओके ओके m1/2। ठीक है ठीक है, ऐसे ही इसका नाम है 2 x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां डाल दो, इसका नाम है 1 2 और इसका नाम है 2 1। तो x1 x2 का कोफिशिएंट आधा यहां डाल दो आधा यहां डाल दो। और यहां पर तो सर है ही नहीं स्टम में, तो और यहां पर था तो इसलिए वहां पे 0 आया और यहां वैल्यू आ गई। ठीक है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर 15 स्लाइड्स पे एक मेरा छोटा सा डाउट है। हेलो सर, इस स्लाइड पे डाउट है। एक मिनट, इसी स्लाइड पे? यस सर। बोलो सर, आपको जैसे ये डायग्राम है, डायग्राम देखते कैसे पता चल जाता है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट? इसको थोड़ा सा ये सिस्टम फील करना है बस आपको, कि ये अगर भागेगा तो किधर भागेगा। ये वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मतलब भले ही ये मतलब इसका लीनियर मोशन जो हो रही है वो उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर 2 पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा ये सिस्टम क्या कर रहा होगा। प्रैक्टिस करोगे ना, अभी तो 18 क्वेश्चन हुए, जब तक 30 हो जाएंगे ना, 30-35 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तब आप भी बता लोगे। जैसे 2 डायमेंशन में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम या 2 अलग हो जाएगा। जैसे 2 बॉडी फ्री मूव कर रही है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, या 2 डायमेंशन में ये कंबाइंड मूव कर रहा है तब?
मतलब बेटा ये क्या है ना, फर्श पर पड़ा हुआ है मान लो, और एक बार आपने एक को डिस्प्लेस किया दूसरा भी भाग रहा है, तो ये वन डायमेंशन ही हुआ, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम दो हो गई। ओके सर, और कौन पूछ रहा था? सर एक बार 15th स्लाइड पे छोटा सा मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है एक बुक का। हां सर, इसमें लास्ट में जो x डबल डॉट है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 कैसे लिखा सर? करके देखो, मैंने तो इसमें लिख लिया, कॉन्सेप्ट भी तो आएंगे ना इसमें। हां कॉन्सेप्ट्स भी तो आएंगे ना, ए और बी। चलो चलो डॉट करो पहले इसका, एक बार डॉट करो कितना आएगा सर? आइटा ओमेगा ए ई की पावर आइटा ओमेगा टी प्लस सिमिलरली माइनस आइटा ओमेगा और बी ई की पावर एक्सपोनेंशियल सेम। दोबारा डिफरेंशिएट करो सर, दोबारा डिफरेंशिएट करो, एक बार और करो सर। आइटा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा फिर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना सर? मतलब ए और बी मतलब कहां गए ये भी तो आएंगे। अभी रुको, तो पहले जो पूछ रहा हूं बताओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा नहीं? यस सर। और इधर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा? यस सर। दोनों बाहर ले लो। अच्छा सर, वापस x1 हो जाएगा वो। ओके सर, बन जाएगा। हां सर, सर नेक्स्ट स्लाइड शो करने, 16 नंबर, इसमें बोलो। जी सर, हो गया सर। सर ये वर्चुअल वर्कर सर अपने प्रॉब्लम नहीं दिखाया बेटा, दिखा दूंगा, मौका नहीं मिला है सर। ओके सर, आपने मुझे भेजी है वर्चुअल वर्क की कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर, आपने बोला था ना कोई भी एक एग्जांपल लेके दिखा देंगे कैसे वो डी थीटा एडीएक्स ले रहा है। आज मैं ध्यान रखूंगा क्योंकि पहले से वो ढूंढ के रखनी पड़ेगी ना, तो डालनी पड़ेगी स्लाइड पे। ओके सर, वो जो सर अपने लैडर वाला प्रॉब्लम करवाया था ना टॉर्क लेके, हाँ उसको ही सर थोड़ा सा वर्चुअल वर्क से करवा देना। ठीक है बेटा, कल करवा। ओके सर, कल करवाऊंगा। ठीक है सर, स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें उसके अंदर में दो स्टेबल पॉइंट्स निकाले थे सर, इन जनरल किसी के दो स्टेबल पॉइंट्स हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते सर? कोई एग्जांपल? ये एग्जांपल यही सामने ही, ये तो सर सिंपल है, किसी हमने वेव के अंदर कोई वन डायमेंशन लेके किया, तो अगर कोई और एग्जांपल? नहीं मतलब कोई सा भी ले लो, ये वाला ले लो, इसमें भी तो दो स्टेबल पॉइंट है भाई, प्लस माइनस अंडर रूट ए बाई बी, प्लस माइनस अंडर रूट ए बाई बी, ये भी तो दो पॉइंट है। यस सर। अरे जहां जहां मिनिमा होगा वहां पर स्टेबल होगा। और फिजिकली समझना है मतलब सर? और फिजिकली मतलब इसको और मतलब इलेबोरेट, जैसे ये तो फंक्शन दिखा दिया। यस सर। और कोई मतलब रियल प्रॉब्लम तो वो उसके लिए थोड़ा वेट करो, अगली क्लास। रियली रियल एग्जांपल पूछ रही थी बस। हां रियल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे मोशन कोन पर, कोन पर कोई पार्टिकल घूम रहा है। यस सर। उस टाइप की प्रॉब्लम जब आएंगी तब मैं बताऊंगा आपको। ओके सर। ठीक है, ऐसा भी है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे जो पॉइंट स्टेबल है वो अनस्टेबल हो जाएगा और जो अनस्टेबल है वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब सर उसका मेन पोजीशन चेंज होता रहेगा। हाँ ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को क्लास में, जब ना आप लोग एक दो दिन और रहोगे तो स्मॉल ऑसिलेशन अभी दो तीन दो लेक्चर और चलेगा कम से। ओके सर। ठीक है सर, मैक्सिमा के लिए हमें हमेशा ही अनस्टेबल पॉइंट्स मिलेंगे? हाँ, क्योंकि नेचर कभी नहीं चाहती मैक्सिमम, नेचर हमेशा मिनिमाइज करना चाहती चीजों को। आपने पढ़ा सुना होगा एक सेंटेंस, नेचर इज मोस्ट नेचर इज डूइंग इन ए वे विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल, है ना? सुना है? नेचर से बड़ा मैनेजर कोई नहीं है। और आप देख रहे होंगे लोग कहते थे ना कि ये पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी, इंसान तांडव मचा रहा है, इंसान सब बर्बाद कर रहा है नेचर को, नेचर ने अपना जरिया ढूंढ लिया। यस सर। हम लोगों के लिए भरे ही वो वायरस हो, लेकिन नेचर के लिए वो एंटीवायरस है।
आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, बोल रहा हूँ। नेचर ना अपना एंटीडॉट लगा लिया है, वो हम लोगों के लिए डॉट का काम कर रहा है, क्योंकि नेचर के खिलाफ हम ही थे ना, तो हमारी और नेचर की लड़ाई चल रही है। उसने अपने वायरस फैला दिए, अब हम अपना जूझ रहे हैं उससे। तो नेचर को तो सब आता है, नेचर अपना ढूंढ लेगी रास्ता कोई ना कोई। सर बहुत से लोग तो बताते चाइना ने फैलाया वायरस। नेचर, चाइना बहुत बड़ी चीज थोड़ी है नेचर से। नेचर किसी गवर्नमेंट का नाम थोड़ी है, ना किसी स्टेट का नाम है, ना किसी कंट्री का नाम है। किसी ने भी फैलाया हो, नहीं फैलाया हो, गलती हुई हो, लीक हो गया हो, जो भी हुआ, नेचर ने अपना काम कर दिया, ठीक है ना? सर इससे सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन अब पता नहीं लोग इम्प्लीमेंट करें तो ठीक है। सीखने को हर मिलता है। अगर आप देखो, आपकी कोई भी ऐसी सुबह एक जैसी नहीं होती होगी। जब आप उठते हो सुबह उठ के, तो हमेशा वो यूनिक सुबह होती होगी। यूनिक मतलब उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। हर वक्त जब आप लोग धोते हैं जिस पॉइंट पर, हर वक्त जब आप अपने प्रेजेंट में होते हैं, तो वो प्रेजेंट बिल्कुल अनोखा होता है ना? तो सीखने को तो हर पल सीख रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं रहे चीजों को। आज की डेट में कौन सुखी है? आज की डेट में वो सुखी है जिसको बीमारी नहीं है, जिसको खांसी नहीं, जिसको बुखार नहीं, वही खुश है। जिसके पास लाख बंगले हो, गाड़ी हो, पैसा हो, वो खुश नहीं है। मानते हो वाली बात? यस सर, डेफिनेटली सर। नहीं काफी है खुशी कि अरे हमें खांसी नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित है, बस हमें बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सुरक्षित। यस सर, बदल चुके हैं। पहले क्या होता था, पड़ोसी ने जमीन खरीदी, हाँ अरे बड़ा बुरा हो गया, हमारे को नहीं मिली, दूसरे को मिल गई, दूसरे के पास इतना पैसा, उसके पास इतनी बड़ी नौकरी, हमारी छोटी नौकरी, यही सब चीजों में उलझे हुए थे सब लोग। आज की डेट में जिसके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर वो खुश है, जिसको जरूरत नहीं है वो खुश है, बाकी सब दुखी है। और आज की डेट में आपने ये भी देखा होगा कि पैसे की किसी को जरूरत नहीं नहीं है सर। 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए सर खर्च कर दिए एक 2-2 दिन में लोगों ने, और बच नहीं पाए उनके, मतलब जो मतलब हमारे साथ में जो मतलब पास में रहते थे, आपस में एक दूसरे को कॉल इस तरीके के नहीं आए हैं कि अरे हमें तो की जरूरत है, क्योंकि पैसा काम ही नहीं आ रहा है। यस सर, तो एक बहुत सबक भी मिला है बेसिकली, हमें थोड़ा लाइफ स्टाइल को बदलने का सबक मिला है। और उस सबक को अगर कहते ना कि हमें आ तो रहा है चीजें, समझ आ रही है चीजें, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ी। लोगों की जो दिक्कत हुई है, लोग परिवार से अपने चले गए, उस कॉस्ट पर हुआ ये सब कुछ। तो वो उससे पहले हमें चेतना चाहिए था, लेकिन अपनी स्थिति उस लायक ही नहीं। कंट्री में इतनी सारी चीजें देख रहे होगा आप लोग, कितनी कमियां हैं। कल को कोई अगर बात करता था कि गवर्नमेंट फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब वो सब है, इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, दवाइयां, लेकिन उस पर जोर ही नहीं था चीजों पर। अगर कोई गवर्नमेंट करती भी तो सब लोग उस पे हंसते कि ये फालतू तैयारी कर रही है। एकदम सर, एकदम। मैं जो बोला है ना, जब करती तो ये कहते कि फालतू तैयारी कर रही है, फालतू। मेरा सर लॉजिक ये है सर, अगर जैसे हॉस्पिटल चलो आप 7 महीने में बना भी लो, डॉक्टर जैसे डॉक्टर बनाने में तो 7 साल लगते हैं इंडिया में, तो सर डॉक्टर बनते भी हैं तो बाहर चले जाते हैं या तो बन नहीं पाते हैं। तो सर मतलब हमें शुरू इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो नेसेसरी है उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा सर, बहुत चीजों पे चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज आएगा लेकिन कल की डेट में पानी की दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, लोग सूखे से भी मर सकते हैं। तो ये सब चीजें मतलब ऐसे मतलब सोचना चाहिए अभी से ही। लेकिन कौन सोच रहा है? जब नहाते हो तो जब मग्गे सिर पर डालते हो पानी के, लगातार जब डाल रहे होते हो गर्मी में, तो कोई yes, बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे जो ये सोचते होंगे अरे यार पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। yes, sir. है? जब शेव करते हैं, शेव yes, करते वक्त कैप चला के छोड़ देते हैं पूरे टाइम, बर्बाद होने दो, कोई yes, sir, ये छोटी छोटी बातें सर बहुत इंपॉर्टेंट। अपने घर में आ रहा है, अपने लोग पानी सही पी रहे हैं, दूसरे की कोई चिंता नहीं, नेचर की कोई चिंता नहीं, तो वो उसी का फल है। और इसीलिए ये वायरसेस आते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना 100 साल में एक बार आता है, अब ये फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे।
हालांकि वो दुर्भाग्यवश ही होगा सब कुछ, लेकिन सच्चाई यही है कि क्या करें, या तो नेचर अपने आप को समाप्त कर ले हम लोगों की गलतियों की वजह से, या हमें ही समाप्त कर दे। तुम्हें पता है डायनासोर, सुन रहा है कोई मुझे या फिर मैं बस? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। डायनासोर क्यों खत्म हो गए इस पृथ्वी से, कोई मूलचूक कारण पता है? सर एक तो स्टेरॉइड, वो एस्टेरॉइड वाला है, और बाकी तो उन लोगों ने पानी का प्रॉब्लम। हाँ, नहीं नहीं, डायनासोर एक दूसरे को भी खाने लगे, वो आपस में एक दूसरे को मारने लगे, समझ रहे हो ना, वो अपनी जाति के पीछे ही पड़ गए थे, इसीलिए वो नहीं रहे, खत्म कर लिया अपनी जाति को ही, अपनी प्रजाति खत्म कर ली, वही इंसान कर रहे हैं आज की डेट में, तो हमारा हाल भी डायनासोर के जैसा ही होगा अगर रहते चिताए नहीं, तो दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं समझा तो बेकार है जीवन। अगर हमें दूसरे के दुख में तकलीफ में मजा आता है ना, तो समझो हमसे बुरा इंसान नहीं है कोई, चाहे आपका दुश्मनी क्यों ना हो, अगर कोई भी तकलीफ में है तो आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। अगर आपको ये पता करना हो कि आप अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो, तो एक बार जरूर ये नोटिस करना कि आपको किसी की तकलीफ में मजा तो नहीं आ रहा है कहीं, चाहे भले ही कुछ भी हो, मान लो फेल हो गया कोई, मान लीजिए किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी घर चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, छोटी छोटी समस्याएं महसूस करना, और फिर महसूस करना कि आपको कहीं अच्छा तो नहीं लग रहा इस चीज को लेके, चाहे भले ही उसको सबक मिला हो, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, ये अच्छी इंसानियत की निशानी है। लेकिन नहीं, हमें तो दूसरों के सुखों से बहुत प्रॉब्लम है ना, सुखी है कोई तो हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। तो ऐसे जीवन को समाप्त करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज ये नेचर करती रहे, हमें बदलना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े औहदों पर पहुंच जाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं लोग, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाते बहुत सारे लोग। तो हमें इंसानियत के साथ थोड़ा सा इंसानियत सर, बड़े बड़े पद पे मतलब ज्यादा मतलब अच्छे लोग तो होते ही हैं, बट सर बहुत गंदे गंदे लोग भी देखे हैं सर, मतलब एनआईटी वगैरह में नहीं, किसी भी जगह यार, डजंट मैटर कि किस जगह की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अच्छे इंसान जरूर बनो। आप अगर एक रोटी खाते हो तो किसी को, अगर पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आपको आधी रोटी तोड़ के उसको देने का एक जज्बा रहना चाहिए, एक रात भूखे सोने का जज्बा रहना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बस लेक्चर झाड़ रहा हूँ, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। और चूंकि स्टूडेंट और मैं टीचर हूं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये बात कि हमारे अंदर एक मानवता जरूर पलनी चाहिए हमेशा, चाहे हमारे माँ बाप ने हमें वो चीजें डाली हो चाहे ना डाली, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा अपने घर से सीखते हैं, घर ने क्या सिखाया, क्योंकि हम हमेशा अपने घर को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी बाहर जाते हैं। तो कभी भी किसी भी जगह पर अगर आपको, आपके पास कुछ है और आप किसी को कुछ दे सकते हो तो आप जरूर दो, जरूर दो। ये केवल एक प्रवचन की तरह मत सुनना ये वाली बात। और रही बात पैसे की, अगर आप लोगों की मदद करोगे और आप थोड़े से अपने आप को कैजुअल हो जाओगे ना, पैसा अपने आप आएगा, बहुत भूखे आप नहीं मरोगे कभी, थोड़ी सी मदद करना सीख ले हम लोग तो अच्छे हो जाएंगे, मुझे लगता है तब ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और आज की रेट में सुन ही रहे होगे, कमी किसी चीज की नहीं है, कुछ कम नहीं है, लेकिन सबने क्या कर रखा है, सब जमाखोर कर रखा, जमाखोरियों ने जमा कर रखी चीजें, इसीलिए मिल नहीं रही लोगों को, सबको अपनी चिंता है कल मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत हो गई तो क्या करूंगा, इसलिए दो सिलेंडर अंदर रख लेता हूं घर में, मरते हैं तो मरने दो लोगों को। और इवन अभी तो पता ही होगा, आप लोग न्यूज देखते होंगे कि कई सारे जो सिलेंडर 400 ऑक्सीजन सिलेंडर, 500 900 ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े गए, ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया, ये सब हो क्या रहा। खैर जो भी है, लेकिन अपने अंदर थोड़ी सी जागरूकता लाओ और चीजें अच्छी करने की कोशिश करो, भले ही दुनिया आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, आप अच्छे बने रहो, इसी में सबकी भलाई, ठीक है? ओके सर।
यस सर, थैंक यू सर। जाने आने में बहुत ही ठीक है बेटा है, कुछ अच्छा करो लाइफ में। लाइफ में आपसे कोई भी चीज आपसे दूर नहीं होगी अगर आप सबके बारे में सोचो। सबके बारे में मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको, ये नहीं सोचना कि मेरे को बस अपना जीवन क्या इसी में दे देना है क्या। बहुत सारे लोग सोचते हैं फिर यही करते रहेंगे क्या, इन सब से कुछ नहीं होता। हम कह रहे थोड़ा ही करो, करो जरूर। वो अच्छा इंसान नहीं होता जो कि कुछ नहीं करता, अच्छे वही होते हैं जो अच्छा काम करते हैं। कहते हैं ना मैं तो किसी बुरी हरकत में नहीं हूं, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, इसलिए मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ। आप कोई अच्छा काम नहीं करते, आप बुरे काम नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे काम करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में अच्छे काम भी जोड़ो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप लोग, मेरे को लगता है सभी लोग सिंसियर है क्योंकि सभी लोग जानते भी होंगे चीजों को, और हम लोग इतनी खोखली दुनिया में नहीं जिए। आज की डेट में क्या है, लोग जो है वो एडवांस होते जा रहे हैं, पब वगैरह जाते हैं, वहां पे ऐसा लगता है उन्हें जैसे कि उनको जीवन मिल गया है ना, यही तो बन गई दुनिया। एकदम उस हिसाब से आदमी किसी भी पार्टी को ढंग से अटेंड नहीं कर पाया, एक ऐसे जीव की वजह से जो कि दिखता भी नहीं। औकात क्या हमारी, कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपनी अपने अपने उसमें रहना है हमें, अच्छा रहेगा कि अच्छे से रहे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भगवान है कि नहीं है यही नहीं पता, चलो ठीक है, अगर भगवान नहीं है बाद में ये पता चला तो कोई बात नहीं, कम से कम मानने में गुजारा ना। भगवान अल्लाह कुछ भी, हमने अपना जीवन एक भ्रम में गुजारा, लेकिन ठीक है अंत में पता चलेगा भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, कौन सा हमने कुछ बुरा सोचा था। लेकिन अगर भाई दबे आपने अभी नहीं माना उसे और बाद में आपको ये पता चला कि वो तो था आपने नहीं देखा, तो बहुत बुरा हो। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सकारात्मक रहें, और कुछ बहुत बुरा नहीं होगा, अगर आप लोग बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। इस होप के साथ हमें जीना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, ठीक है। चलो बेटा आप लोग खाना उना खाओ, हमारे भी इशारे आने लगे घर से। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर।